देखिए न्यूज इंडिया 24 की 10 खबरें फटाफट अंदाज में। संसद भवन परिसर में अमित शाह से मिले हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। चंडीगढ़ में दो क्लबों के बाहर ब्लास्ट की जिम्मेदारी कुलदीप बड़ार ने ली। जियाउर रहमान के बचाव में उतरे अखिलेश। राहुल गांधी दे रहे थे भाषण, अचानक बंद हो गया माइक। वक्त पर जेपीसी की बैठक कल दोपहर 3 बजे होगी। राज्यसभा की 6 सीटों पर 20 दिसंबर को होगा मतदान। चिनमय प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। संविधान दिवस पर आज शाम सुप्रीम कोर्ट में कार्यक्रम। महाराष्ट्र चुनाव में लगे झटके के बाद एनसीपी की बैठक लेने पहुंचे शरद पवार। संभल हिंसा के बाद बिजनौर में भी हाई अलर्ट।